गुड मॉर्निंग दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल में सब्जियों के वर्गीकरण में बोटैनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। आज मैं आपको डिफरेंट सब्जियां जो फैमिलीज तथा को बिलोंग करती हैं तथा उनका बोटैनिकल नेम, उत्पत्ति स्थान, इजबुल पार्ट, उनका खाने योग भाग तथा क्रोमोजोम नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। दिस इज द सीरियल नंबर, फैमिली नेम, कॉमन नेम ऑफ वेजिटेबल, बोटैनिकल नेम, ओरिजिन, इजबुल पार्ट एंड क्रोमोजोम, सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर। नंबर एक, फैमिली एमेरिलिडेसी और एलिएसी। इन दिस द जो सब्जियाँ आती हैं ओनियन तथा गार्लिक एलिएसी फैमिली को बिलोंग करती हैं, और ओनियन का बोटैनिकल नेम है एलवम केपा तथा गार्लिक का बोटैनिकल नेम एलवम सटाइम। दोनों की उत्पत्ति स्थान है सेंट्रल एशिया। ओनियन में जो खाने योग्य भाग होता है वो हमारा बल्ब है, बल्ब कहते हैं, जो बल्ब जो होता है वो ठोस होता है। और इसके बाद जो गार्लिक में खाने योग्य पार्ट्स है वो क्लोव्स है। जो गार्लिक होती है हमारी, उसका जो गांठ होती है उसके एक पार्ट को हम क्लोव्स कहते हैं, तो क्लोव्स खाया जाता है। इसके क्रोमोजोम नंबर 16 है दोनों के। नेक्स्ट फैमिली है एरेकैसी। एरेकैसी फैमिली को तारो अरबी, जिसे हम लोग घुइया कहते हैं, बिलोंग करती है। इसका बोटैनिकल नेम है कोलोकैसिया एस्कुलेंटा। उत्पत्ति स्थान श्रीलंका। इसमें कॉर्म्स खाया जाता है। कॉर्म जो होता है वो हलो होता है, घुइया का वजन कम होता है। क्रोमोजोम नंबर 28। नेक्स्ट एलिफेंट फूट याम, बिलोंग करते हैं एरेकैसी फैमिली को, जिसको हम सूरन लोकल लैंग्वेज में सूरन भी कहते हैं। इसका बोटैनिकल नेम है एमोर्फो फाइलस कंपनुलाइटस। ओरिजिन क्या है, श्रीलंका है। इसमें भी कॉर्म्स खाया जाता है। 26 के क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैमिली है डाइस्कुरेसी ग्रेटर याम। इसको जो सब्जियाँ बिलोंग करती हैं वो ग्रेटर याम, लेसर याम तथा व्हाइट याम। रतालू, इसमें का ग्रेटर याम इज बोटैनिकल नेम ऑफ नोन एज डाइस्कोरिया इलाटा एंड ओरिजिन इज इंडो बर्मा। ट्यूबर इसमें खाया जाता है, कंद खाया जाता है ग्रेटर याम में, रतालू में। इसमें क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं 40। लेसर याम, इसका बोटैनिकल नेम है डाइस्कोरिया इस्कुलेंटा। वो ओरिजिन है इंडो बर्मा। ट्यूबर इसमें भी खाया जाता है तथा क्रोमोजोम नंबर 40 पाए जाते हैं। नेक्स्ट व्हाइट याम, सफ़ेद रतालू जिसे कहते हैं। इसका बोटैनिकल नेम है डाइस्कोरिया रोटंडा। इसका ओरिजिन जो है इंडो बर्मा है। इसमें भी ट्यूबर खाया जाता है। क्रोमोजोम नंबर 40। नेक्स्ट फैमिली ग्रैमिनी, स्वीट कार्न जिसे हम मीठा मक्का कहते हैं। इसका बोटैनिकल नेम है जियामेज। इसकी में कार्नेल खाया जाता है, बीज खाए जाते हैं। क्रोमोजोम नंबर 20 हैं। नेक्स्ट है लिलिएसी फैमिली। इसमें जो सब्जी बिलोंग करती है एस्परगस या सतावर जिसे हम लोग कहते हैं, एस्परगस ऑफिसनेलिस इसका बोटैनिकल नेम है। इसका ओरिजिन है यूरोप और एशिया, दोनों जगह ओरिजिन है। स्पीयर्स खाए जाते हैं इसमें 20 क्रोमोजोम। दीज आर दीज वेजिटेबल बिलोंग टू मोनी कॉटिलिडनी क्लास, एक बीज पत्री वर्ग में ये सब सब्जियां आती हैं जिनको मैंने आप बताया। अब द्विबीज पत्री सब्जियां कौन कौन सी हैं, डाई कॉटिलिडनी वेजिटेबल्स आर एमरेंथेसी फैमिली को जो बिलोंग करती हैं वो है एमरेंथस चौलाई। बोटैनिकली एमरेंथस नोन एज एमरेंथस स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ एमरेंथस इज इंडिया। लीव्स तथा स्टेम इसमें खाए जाते हैं। इसके में क्रोमोजोम नंबर 32 पाए जाते हैं। चिनेपोडिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं बीट रूट, पालक, स्पिनेच। बीट रूट बोटैनिकल जो नेम है बीटा वल्गैरिस। ओरिजिन मेडिटेरेनियन। रूट इसमें खाए जाते हैं, जड़ खाए जाती हैं। क्रोमोजोम नंबर 18 हैं। पालक, पालक का बोटैनिकल नेम है बीटा वल्गैरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। इसकी ओरिजिन इंडो चाइना है। इसके में लीव्स खाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं पालक में क्रोमोजोम नंबर 18 हैं। ये था स्पिनच। स्पिनच
स्पेनेशिया और लिराइसिया, ओरिजिन ईरान, लीव जिसमें खाई जाती है स्पिनच में, 12 क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट कंपोस्टी फैमिली, इसमें लिट्यूक, लिट्यूक बिलोंग टू कंपोस्टी फैमिली, बोटैनिकल इन्होंने लैक्टुका सटाइवा, मिडी टेरेनियन रीजन, ओरिजिन है इसकी लीफी हेड्स, लीफी हेड्स इसमें खाए जाते हैं, क्रोमोजोम नंबर 18। नेक्स्ट जेरूसलम हेलियंथस ट्यूबरोसस, ओरिजिन इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी ओरिजिन है ट्यूबर, इसमें खाया जाता है, क्रोम नंबर 102। नेक्स्ट कॉर्नवॉलेसी फैमिली, स्वीट पोटैटो इसको बिलोंग करती है, कॉर्नवॉलेसी फैमिली को, इसका बोटैनिकल नेम है अपोमिया बटाटा, तथा ओरिजिन है साउथ, स्वीट पोटैटो की ओरिजिन है साउथ अमेरिका, इसमें भी ट्यूबर खाया जाता है, क्रोमोसोम 90 पाए जाते हैं स्वीट पोटैटो में। नेक्स्ट फैमिली है मालवेसी, ओकरा, भिंडी जिसे हम लोग कहते हैं, भिंडी जो है मालवेसी फैमिली को बिलोंग करती है, एबिल मोस्कस स्कुलेंटस, इसका बोटैनिकल नेम है, अफ्रीका ओरिजिन है इसकी, तथा इसमें जो एजिबल पार्ट है वो फ्रूट्स है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 130 पाए जाते हैं। ओकरा बहुत अच्छा आयोडीन का सोर्स है, जो आयोडीन एक थायराइड ग्रैंड होती है उसमें बहुत अच्छा इसको बताया जाता है, मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी ओकरा की, जैसे आप लोग जानते हैं क्लैरिफिकेशन, आप गुड़ जब बनाया जाता है तो गुड़ में भी रसे के क्लैरिफिकेशन के लिए ओकरा की जड़ वगैरह कूट के, स्टेम वगैरह कूट के रह जाते हैं, आप लोग जानते। नेक्स्ट फैमिली इज क्रूसीफेरी, द वेजिटेबल्स व्हिच बिगन टू क्रूसीफेरी फैमिली आर कैबेज, कैलीफ्लावर, नोल कोल, टर्निप एंड रेडिश, बोटैनिकल नेम ऑफ कैबेज इज ब्रेस्किया ओलेरासिया वैरायटी कैपिटाटा, द ओरिजिन इज मेडिटेरेनियन रीजन, इसमें हेड खाया जाता है, एजिबल पार्ट ऑफ कैबेज इज हेड, एंड क्रोमोजोम नंबर इज 18, दिस इज द सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर। नेक्स्ट कैलीफ्लावर, फूल गोभी जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, ब्रेस्किया ओलेरासिया वैरायटी बोट्रिसिस, बोटैनिकल नेम है इसका, इसका भी ओरिजिन जो है सेम है, मेडिटेरेनियन रीजन, इसमें कर्ड खाया जाता है, द इजिप्ट पोर्शन ऑफ कैलीफ्लावर इज कर्ड, जो गोभी का फूल होता है उसको हम कर्ड कहते हैं ऊपरी पोर्शन को, तो इसमें कर्ड खाया जाता है, इसमें भी क्रोमोजोम नंबर 18 है। नोल खोल, गांठ गोभी जिसे हम लोग कहते हैं, इसका बोटैनिकल नेम है ब्रेस्किया ओलेरासिया वैरायटी गोंगिलोट्स, इसकी भी ओरिजिन सेम है, मेडिटेरेनियन रीजन, इसमें फ्लावर बड खाई जाती है, और इसमें भी क्रोमोजोम नंबर 18 पाए जाते हैं। टर्निप सलजम, सलजम का बोटैनिकल नेम है रैफन ब्रेस्किया रैपा, इसकी ओरिजिन है चाइना तथा इंडिया, इसमें रूट खाए जाते हैं, इजिबल पोर्शन ऑफ टर्निप इज रूट, एंड क्रोमोजोम नंबर इज 20। नेक्स्ट रेडिस रेफनस सटाइवस यूरोप, इसकी ओरिजिन यूरोप है, रूट एंड लीव जिसमें इजिबल पोर्शन 18, क्रोमोजोम नंबर है। नेक्स्ट फैमिली इज कुकरबिटेसी, द वेजिटेबल्स इज बिलोंग टू कुकरबिटेसी फैमिली आर कुकम्बर, खीरा, बोटैनिकल नेम कुकुम्बस सटाइवस, ओरिजिन इंडिया, फ्रूट इज यूनिपोर्शन है, क्रोमोसोम नंबर 14। मस्क मिलन खरबूजा जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, कुकुम्बस मेलो, बोटैनिकल नेम है ट्रॉपिकल एशिया, ओरिजिन फ्रूट, इसमें भी इजबिल पोर्शन है 24, क्रोमोसोम नंबर। स्नैप मिलन या फ्रूट जिसे हम लोग कहते हैं, कुकुमस मेलो वैरायटी मोमोडिका, इसकी ओरिजिन है ट्रॉपिकल अफ्रीका, एजिबल पोर्शन इज फ्रूट, क्रोमोजोम नंबर 24। लॉन्ग मेनल ककड़ी, कुकुमस मेलो वैरायटी यूटिली सिमस, ओरिजिन ट्रॉपिकल अफ्रीका, एजिबल पोर्शन फ्रूट, क्रोमोजोम नंबर 24। वाटर मेलन जिसे हम लोग तरबूज कहते हैं, सिट्रुलस लैनाटस, ओरिजिन इज सेम ट्रॉपिकल अफ्रीका, एजिबल पोर्शन फ्रूट, क्रोमोजोम नंबर 22। पंपकिन जिसे हम लोग कद्दू कहते हैं, कुकुरबिटा मोस्टेटा बोटैनिकल नेम इसका, मेक्सिको और पेरू इसकी ओरिजिन है,
इज बी पोर्सन फ्रूट है सेम एंड क्रोमोजोम नंबर 40 कद्दू का क्रोमोजोम कितना होता है 40 होता है। बोटल गोल लौकी लेजेनेरिया सिसेरेरिया बोटानिकल नेम है सिसेरेरिया ओरिजिन है साउथ अफ्रीका क्रोमो इज बी पोर्सन फ्रूट क्रोमोजोम नंबर 22 क्रोमोजोम नंबर बोटल गोल्ड में बोटल गोल्ड का लौकी में कितना होता है 22 होता है। बिटर गोल्ड करेला मोमोल्डिका चैरेंसिया बोटानिकल नेम इसका इंडो बर्मा ओरिजिन है फ्रूट इज बी पोर्सन है 22 का क्रोमोजोम नंबर है आप लोग देख सकते हैं। रिज गोल्ड तरोई ल्यूफा इक्वन टैंगुला बोटानिकल नेम है एशिया ओरिजिन है फ्रूट इज बिल पोर्सन है 26 इसका क्रोमोजोम नंबर है। स्पॉन्ज गोल्ड फचकुली हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसको कहते हैं ललितपुर में फचकुली आप लोग जानते हैं स्पॉन्ज गोल्ड जो चिकनी तरोही होती है घिया भी इसको कहते हैं। ल्यूफा सिलेंड्रिका इसका बोटानिकल नेम है आसाम इसकी ओरिजिन है आसाम जो है ओरिजिन है इसमें फ्रूट खाया जाता है 26 क्रोमोजोम नंबर है। पॉइंटेड गोल्ड जो है परवल आप लोग कहते हैं परवल का बोटानिकल नेम है ट्राइको साइंथस इंगुना इंडिया इसकी ओरिजिन है और इस भी पोर्शन है फ्रूट 22 इसका क्रोमोजोम नंबर है। नेक्स्ट फैमिली इज लिग्यूमिनेसी कॉमन नेम जो लिग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करती है सब्जियाँ उनमें पीज मटर जिसे हम लोग कहते हैं पाइसम सटाइवम बोटानिकल नेम इसका सेंट्रल एशिया ओरिजिन है टेंडर सीड्स इसमें खाए जाते हैं मुलायम बीज खाए जाते हैं 14 इसके में क्रोमोजोम नंबर आ जाए। नेक्स्ट क्लस्टर बीन जो गुच्छे में सब्जियां सेम पैदा होती है उसे हम क्लस्टर बीन कहते हैं इसका बोटानिकल नेम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस ओरिजिन इंडिया है क्लस्टर बीन की ओरिजिन क्या है इंडिया है इसमें पाड और सीड्स खाए जाते हैं क्रोमोजोम नंबर 14 पाए जाते हैं। नेक्स्ट काउपी जिसे हम लोग लोबिया भी कहते हैं विग्ना अंगुकुलाटा इसका बोटानिकल नेम है अफ्रीका ओरिजिन है काउपी की ओरिजिन क्या है अफ्रीका है इसमें इस भी पोर्शन है पाड तथा क्रोमोजोम नंबर 22। नेक्स्ट फिन्यूग्रीक मेथी ट्राइगोनेला फोइनी ग्राइक्यूम इसमें लीव्स खाई जाती है चौलाई फेनी ग्रुप में मेथी में और क्रोमोजोम नंबर 16 पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैमिली जो है सोलेनेसी सब्जियां जो इसको बिलोंग करती है पोटैटो ब्रिंजल टोमेटो चिली पोटैटो का बोटानिकल नेम सोलोनम ट्यूबरोसन इसमें पोटैटो में क्या खाया जाता है ट्यूबर खाया जाता है जैसा आप लोग जानते कहां और क्रोमोजोम नंबर 48 ब्रिंजल सोनोनम मिलोनजेना बोटानिकल नेम इंडो बर्मा इसी ओरिजिन है फ्रूट खाया जाता है 24 इसमें क्रोमोजोम नंबर है गुणसूत्रों की संख्या क्या है 24 है। टोमेटो लाइकोपर्सिकान स्कुलेंटम इसका बोटानिकल नेम है साउथ अमेरिका ओरिजिन है टोमेटो की फ्रूट इसमें खाया जाता है इक्वल पोर्शन और जो गुणसूत्र हैं वो 24 पाए जाते हैं क्रोमोजोम नंबर। चिली कैप्सिकम इनम ओरिजिन क्या है चिली की मेक्सिको है फ्रूट इसमें ओजिबल पोर्शन इज फ्रूट एंड क्रोमोजोम नंबर इज 24। इस प्रकार से मैंने आपको ये वनस्पतिक वर्गीकरण बताया और इसकी जानकारी होने पे हम को कन्वर्सेशन करने में वैज्ञानिकों के साथ या पढ़े लिखे लोगों के साथ बातचीत करने में या जो शोध साहित्य लिखे जाते हैं उनमें चूँकि नेम जो है एक जो यहाँ का ब्रिंजल का नेम हमारे यूपी में होगा वही अदर प्लेस पे होगा चाहे वो इंडिया का कोई भी स्टेट हो वहाँ पे सोलोनम जेना ही कहा जाएगा उसको और इसी प्रकार से फॉरेन में भी यही नाम होगा तो आधा कन्वर्सेशन करने में जानकारी हासिल करने में बहुत आराम रहता है किसी प्रकार की जानकारी इसका क्रोमोजोम नंबर या ओरिजिन क्या है तो इस प्रकार से एक कन्वर्सेशन करने में जानकारी का हस्तांतरण करने में बहुत ही आसानी होती है इसलिए ये बोटानिकल क्लासिफिकेशन का महत्व है। तो ये आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।